हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट एंड एफसी के न्यू कैप्टन और साथ ही साथ इप्सन मेलो के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हो और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। हमारे चैनल पर आपको नॉर्थ ईस्ट यूनिवर्सिटी से रिलेटेड अपडेट वगैरह मिलते रहता है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, 4 तारीख को नॉर्थ ईस्ट का मैच था शिलोंग लाजोंग एफसी के साथ, डूरन कप का सेकेंड मैच और नॉर्थ ईस्ट का फर्स्ट मैच। तो दोस्तों, उस मैच में नॉर्थ ईस्ट यूनिवर्सिटी का कैप्टन था गौरव बोरा। तो आज के इस वीडियो में हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे कि ISL सीजन 10 में नॉर्थ ईस्ट एफसी किसको किसको कैप्टन बनाएगा, कौन सा प्लेयर नॉर्थ ईस्ट एफसी का कैप्टन के रूप में रहेंगे ISL सीजन 10 में, तो उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, मैं अभी वीडियो बना ही रहा था और जो रोमेन फिलिबोटुक्स है उन्होंने एक स्टोरी लगाया है, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, जिधर वो गौरव बोरा के साथ है और इधर लिखा है कैप्टन गौरव बोरा लिख के। और गाइस, गौरव बोरा ने अपने इंस्टाग्राम में पोस्ट किया था जिसके कमेंट सेक्शन आप देख सकते हो, पूरा कमेंट सेक्शन में कैप्टन ही कैप्टन लिखा है। नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे प्लेयर ने उनको कैप्टन करके मतलब कमेंट किया है और भाई बेंगलुरु एफसी के भी 2 प्लेयर ने उनको मतलब कैप्टन लिख के कमेंट किया है उनके पोस्ट में। तो गाइस, गौरव बोरा जो है ISL में भी कैप्टन रहेंगे, ये तो मतलब 100% कन्फर्म हो चुका है। तो गौरव बोरा के साथ साथ और कुछ नाम आपको मैं बता देता हूँ, वो मतलब ISL में कैप्टन रहेंगे नॉर्थ ईस्ट एफसी का, ऐसा मतलब कुछ यूट्यूबर्स बोल रहा था इसलिए मैं सोचा कि मतलब आपको ये बता देता हूँ। तो गौरव बोरा के बाद में रोमेन फिलिबोटुक्स जो कि एक काफ़ी अच्छे प्लेयर है और ये पिछले सीजन भी 1-2 मैचेस में मतलब कैप्टन थे नॉर्थ ईस्ट एफसी के, तो ये भी नेक्स्ट सीजन जो है कैप्टन रहेंगे नॉर्थ ईस्ट एफसी के और ये मतलब काफ़ी अच्छे प्लेयर है रोमेन फिलिबोटुक्स, इनके बारे में तो आपको पता ही है। तो उसके बाद नेक्स्ट प्लेयर है गाइस पार्थिव गोगोई। तो पार्थिव गोगोई का नाम सुन के भाई मुझे भी अच्छा लगा कि पार्थिव गोगोई भाई हमारा पार्थिव गोगोई जो है वो कैप्टन रहेंगे, तो पार्थिव गोगोई का नाम सुन के मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो पार्थिव गोगोई भी जो है गाइस ISL सीजन 10 को नॉर्थ ईस्ट एफसी के कैप्टन के रूप में काम करेंगे। तो उसके बाद है माइकल जवा को। तो माइकल जवा को एक फॉरेनर है भाई, वो भी मतलब कैप्टन रहेंगे नॉर्थ ईस्ट एफसी का। तो अभी तो ये 4 ही नाम सामने आ रहा है, गौरव बोरा, पार्थिव गोगोई, रोमेन फिलिबोटुक्स और माइकल जवाको। लेकिन भाई नॉर्थ ईस्ट एफसी और बहुत सारे प्लेयर को साइन करने वाला है और भाई डिफेंडर को एक साइन करने वाला है और मतलब 2 फॉरेनर को भी साइन करने वाला है, तो उसमें से भी एक कैप्टन हो सकता है। तो अभी तक तो ये 4ों का नाम आ रहा है, तो अभी आगे देखते हैं किसका किसका नाम आता है, कौन कौन नॉर्थ ईस्ट का कैप्टन होता है। तो भाई उसके बाद बात करते हैं ब्राजीलियन स्ट्राइकर इप्सन मेलो के बारे में। तो इप्सन मेलो जो है गाइस गुवाहाटी के लिए निकल चुका है, यस गाइस आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, कल रात को ही इप्सन मेलो ने जो है गाइस अपने इंस्टाग्राम में एक पोस्ट किया था जिसमें वो मतलब कपड़े वगैरह पैक कर रहे हैं, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, और उधर लिखा भी है लेट्स गो नॉर्थ ईस्ट करके उन्होंने मतलब नॉर्थ ईस्ट को टैग किया है। तो वो जो है गाइस गुवाहाटी के लिए निकल चुका है कपड़े वगैरह पैक करके, तो बहुत ही जल्दी वो गुवाहाटी में लैंड करेंगे। कब लैंड करेंगे भाई उसका तो टाइम मुझे पता नहीं है, वो गुवाहाटी आने के लिए बहुत एक्साइटेड है, उनके स्टोरी देख के पता चलता है कि वो मतलब वो घर पे ही ट्रेनिंग कर रहा था कुछ दिन से, मतलब वो घर पे ही ट्रेनिंग कर रहा था और उसका भी मतलब अपडेट दे रहा था कि लेट्स गो नॉर्थ ईस्ट, मतलब ये नॉर्थ ईस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करने वाला है। नॉर्थ ईस्ट में आकर इप्सन मेलो जो है बहुत खुश है, तो अभी इप्सन मेलो तो बहुत खुश है, तो अभी देखते हैं नॉर्थ ईस्ट एफसी में कैसा परफॉर्मेंस करता है, नॉर्थ ईस्ट एफसी फैंस को मतलब खुश कर पाता है कि नहीं इप्सन मेलो। तो इप्सन मेलो आ जाने के बाद वो मतलब नेक्स्ट मैच जरूर खेलेंगे जो कि मतलब एफसी गोवा के साथ है हमारे होम ग्राउंड में, उस मैच में मतलब इप्सन मेलो जरूर रहेंगे, वो स्ट्राइकर के पोजीशन में खेलेंगे। नेक्स्ट मैच तो भाई मनवीर सिंह था स्ट्राइकर के पोजीशन में, नेस्टर एलवीएस को नहीं खिलाया। और गाइस अगर मैं सच बोलूँ ना तो भाई इप्सन मेलो जो है ना गाइस उनसे अच्छा मुझे नेस्टर एलवीएस जो है खतरनाक प्लेयर लग रहा है, क्योंकि भाई उनको मैंने देखा है नेस्टर एलवीएस बहुत ही खतरनाक प्लेयर है, मुझे तो मतलब इप्सन मेलो से भी खतरनाक प्लेयर लग रहा है। लेकिन भाई देखते हैं किसका परफॉर्मेंस अच्छा होता है, अयूब की भाई हम तो यही चाहते हैं कि दोनों का परफॉर्मेंस एकदम लाजवाब रहे, दोनों ही नॉर्थ ईस्ट को आगे ले जाए, ISL जिताए, डूरन कप जिताए। तो अभी देखते हैं इप्सन मेलो कब तक गुवाहाटी पहुंचता है, जब मतलब पहुंच जाएगा तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भाई यार आप में से बहुत सारे बंदे हमारे रोज वीडियो देखते हो भाई, कोई कोई तो भाई लाइक भी करते हैं हमारे वीडियो को, लेकिन यार पता नहीं यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते यार, मतलब भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो तभी मतलब हम जब वीडियो डालेंगे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी रिलेटेड कोई भी वीडियो डालेंगे तो आपके फ़ोन के उधर नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा जिससे आप मतलब आप वीडियो देख सकेंगे, तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, मतलब सब्सक्राइब करना तो फ्री होता है ना, मतलब एक क्लिक ही तो करना है ना, तो कर दो यार। और गाइस हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें मतलब नॉर्थ ईस्ट के फुल स्क्वाड के बारे में हमने चर्चा किया है, नॉर्थ ईस्ट के सभी प्लेयर के प्रोफाइल के बारे में हमने चर्चा किया है, तो वो वीडियो भी हम बहुत ही जल्दी अपलोड करने वाला है, उसका मतलब एडिटिंग वगैरह हमने सब कंप्लीट कर लिया है, 16 मिनट का वीडियो है गाइस, बहुत ही लॉन्ग वीडियो हो चुका है, लेकिन फिर भी भाई आपसे रिक्वेस्ट है आप देख लेना फुल वीडियो। हमने मतलब उधर सभी प्लेयर के प्रोफाइल के बारे में चर्चा किया है, कौन कैसा प्लेयर है, किसने मतलब नॉर्थ ईस्ट में कैसा परफॉर्मेंस किया है और आगे चल के मतलब कैसा परफॉर्मेंस करेंगे, सभी के बारे में चर्चा किया है, इसीलिए उस वीडियो को आप लोग देख लेना, हम बहुत ही जल्दी वो अपलोड करने वाला है।
इसलिए यार आपको कह रहा हूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यार। हमारे चैनल पे आपको नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड छोटे मोटे अपडेट मिलते रहता है, लेकिन यार आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते हमारे चैनल को, इसलिए भाई कर दो यार सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करना तो फ्री होता है ना। तो बस आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। तो तब तक के लिए सबको अलविदा, जय हिंद जय भारत।